क्लास टेंथ का आज एक्सरसाइज 1.2 देखेंगे। रियल नंबर है, वास्तविक संख्या। आपका लेसन नंबर 1 एक्सरसाइज 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। इसको जो है से अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करेंगे, अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करेंगे। इसको सभी एक एक करके देखेंगे हम लोग। इसी के वीडियो में आप लोग का पूरा कंप्लीट हो जाएगा अगर आप ध्यानपूर्वक देखते हैं तो। और अगर इस चैनल पे आप न्यू व्यूअर है तो पहले चैनल के लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल घंटी को प्रेस करें। इससे आपका प्रॉफिट क्या होगा, जब भी इस चैनल पे वीडियो अपलोड किया जाएगा तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा। हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन को बहुत शॉर्ट वे में देखेंगे, एक ही बार में आपको समझ में आएगा और कभी आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा, बस एक बार में। देखिए इसको क्या कहते हैं, अभाज्य गुणनखंड, मतलब इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। इसको देखते हैं, इसको हम एलसीएम ले लेते हैं। 1/40 को कितना से लगाएंगे, तो इसको 7 से लगा देते हैं। कितना हो जाएगा, 7 × 14 और 20 हो जाएगा। फिर आप 3 से लगा दीजिए, 4 से लगा दीजिए। आपका देखिएगा तो इसको 4 से लगाइएगा तो हो जाएगा, या 4 से न लगा कर तो आप 2 से भी लगा सकते हैं, इसको 2 से भी लगा सकते हैं आराम से। 2 से लगाइए कितना होगा, 10 होगा। 2 से लगाइएगा तो फिर 2 से लगाइए कितना होगा, ये आपका 5 होगा। और फिर इसका ये प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा, प्राइम फैक्टराइजेशन। इसका हो जाएगा 140 का आपका 7 × 2 × 2 × 5, यही आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग इसका 156 का। 156 को हम लोग 13 से देंगे, 13 × 13 और 13 × 2 हो जाएगा आपका 26। फिर 2 से देखिए 6 आएगा, फिर 2 से दीजिए 3 आएगा, फिर 3 दीजिए 1 आएगा, यानी कितना हो जाएगा इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा 13 × 2 × 3, कितना होगा ये 156 के, ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर देखते हैं हम लोग इसका, इसको देखेंगे तीसरा नंबर। ये आपका पहला था, ये आपका दूसरा है, ये आपका तीसरा है। 3825 को हम लोग कितना से लगाएंगे, इसको 17 से लगाएंगे, 17 से लगाएंगे तो इसको गुना करने पे इतना आएगा, मतलब ये डिवाइड देने पे। उसके बाद फिर 5 से लगाएंगे, फिर 45 आएगा। 3 से लगाएंगे तो 9 आएगा, और उसके बाद फिर 3 से लगाएंगे तो 3 आएगा, और फिर दोबारा 3 से लगाइए तो कितना हो जाएगा इसका, 3 से लगाइएगा तो 1 आ जाएगा, यानी किसका कितना हुआ 3825 का हो जाएगा आपका 17 × 5 × 3 यही आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप सभी क्वेश्चन के बना सकते हैं।